नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। जनसंख्या विस्फोट एक बहुत ही बड़ी समस्या है। एक आम आदमी से लेकर राजनेता तक सभी को पता है, लेकिन कोई भी इस समस्या के लिए जरूरी कानून लाने के बारे में सोचता भी नहीं है और उसके पांव लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि इस कानून का नाम सुनते ही बहुसंख्यक माइनॉरिटी वाला समाज बिलबिला उठता है और अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए कोई भी सरकार इस समाज का वोट बैंक खोना नहीं चाहती। लेकिन अब इस समाज को आईना दिखाते हुए सीएम योगी की सरकार जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून लाने वाली है, ये बात काफी हद तक साफ नजर आती है। लेकिन कानून से पहले ही 11 जुलाई यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस, इस दिन योगी सरकार प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी करने वाली है। साल 2000 के बाद 2021 में यानी कि 20 साल बाद ऐसा दम दिखाने वाली योगी सरकार जनसंख्या को नियंत्रण करने के कई नीतियों को लेकर ऐलान करेगी, जो कि 2030 तक लागू रहेंगे। इसमें जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए समुदाय आधारित अभियान और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। कुछ समुदायों में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है, लेकिन अब स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे। साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत योजनाओं से नवजात किशोर और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था का लाभ भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए मसौदा तैयार किया जाएगा, क्योंकि लोगों को कितना भी समझा लो, जब तक वो पुलिस को नहीं देखते तब तक मास्क तक नहीं पहनते। और यहाँ तो जनसंख्या कंट्रोल करने की बात है, पुलिस का डंडा ही इंसानों को जनसंख्या विस्फोट से बचा सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी, धन्यवाद।